रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक्स को खोल के देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। 3.1 का एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल और नॉट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सप्रेशन कौन से होते हैं और इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 2xy² - 3x² + 5y³ - 6, अगर इसके दूसरे साइड पर इक्वल का साइन हो और उसके अलावा उसके साथ कुछ जीरो लिखा हुआ हो या कुछ और चीज लिखी भी हो इक्वल की दूसरी तरफ, तो वो आपकी होगी इक्वेशन। जबकि ये जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पे दी हुई है, इस तरह की जो चीज होती है जिसकी तरफ जिसके दूसरी साइड पर इक्वल नहीं होता, वो आपकी कहलाती है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ही है। अब हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल बताने के लिए के पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे हमने पॉलिनोमियल को, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिसको आपने समझ के और फौरन से जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इज दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास देख रहे होंगे कि आपके पास मैंने ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स लिखी हुई है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो हमारे पास है कि पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि ऑल द लेटर्स आर कॉल्ड द वेरिएबल्स इन द मैथ्स वर्क। ठीक है, जितने भी लेटर्स होते हैं मोस्टली तो हमारी बुक में एक्स वाई जेड ए बी सी और एम एन इस तरह के यूज हुए भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन या एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल एक वक्त में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे है पॉलिनोमियल की पावर किसी भी होल नंबर में से हो। ठीक है, अब होल नंबर यानी कि अगर इनके ऊपर कोई पावर दी भी हो तो ये किस में हो, होल नंबर में। और होल नंबर आप सबको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे, होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की जो पावर है वो इनमें से ही कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नंबर 3 पे क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यानी कि अगर x, y, z की कोई पावर दी हुई है तो वो नेगेटिव में ना हो, उसको माइनस में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तब वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो नॉट पॉलिनोमियल या नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा, इस तरह का आ जाए। फिर हमारे पास ट्रिक नंबर 4 है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल कभी भी स्क्वेयर रूट में नहीं होता। यानी कि आप कोई भी x, y या कोई भी वेरिएबल जो होगा वो स्क्वेयर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने कांस्टेंट को नहीं देखना, ठीक है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। और वेरिएबल जैसे x और y या z कुछ भी अगर वो स्क्वेयर रूट के अंदर आ जाता है तो सीधा सीधा ये आपका वेरिएबल ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन मैं आपको यहाँ पे बता दूं जल्दी से कि देखिए, एक्स अगर स्क्वेयर रूट के अंदर है, हम इसको खोलने जाएं, ठीक है, अगर हम इसको खोलें तो x की पावर हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, जब x की पावर आ जाएगी 1/2 में, तो अगर देखिए, अगर जो अपॉन में होता है ना, ये पावर 1/2 है, ठीक है, और 1/2 में पावर हमें नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो हम पावर को जब ऊपर शिफ्ट करें, पावर को जब हम ऊपर लेके जाते हैं, तो आपको पता है कि पावर जो होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा पावर का, तो इसलिए ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि x की पावर -2। अगर हम इसको अरेंज करने जाएं तो इसका मतलब है पावर माइनस में आ गई, इसीलिए अगर स्क्वेयर रूट के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल हो तो वो कोई भी वेरिएबल हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास टिप नंबर 5 है कि पॉलिनोमियल कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। देखिए, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल ऊपर 2 है, नीचे अपॉन में x है या y है या कुछ भी है, तो वो भी रॉन्ग होगा, वो नॉट पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसकी रीजन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता सकती हूँ कि 2/x, अब देखिए x हमें नीचे नहीं चाहिए होता। ठीक है, अगर हम x की पावर को यहाँ पे शिफ्ट करके लाते हैं, ऊपर लाते हैं, x को ऊपर लाते हैं, तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया कि पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, इसी तरह कोई भी वेरिएबल या कोई भी इस तरह का जो भी होता है वेरिएबल और उनकी पावर मौजूद हो, ठीक है, जैसे यहाँ पावर नहीं है तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पावर 1 है, तो इस पावर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर -1। जब यहाँ पावर पॉजिटिव है तो जब ये ऊपर जाता है तो इसकी पावर हमेशा साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पे भी इसकी पावर -1 में आ गई, माइनस में आ गई, तो हमारे पास कौन क्या रूल है कि पावर कभी भी
नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव ना होने की वजह से ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास 5 टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप 4 एक्सप्रेशन या इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि दिस इज अ पॉलीनोमियल और नॉट। तो हम इसी की बेस पर आप लोग याद रखिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं इसी की बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जाते हैं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करूंगी, आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगी, हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या बताना था कि ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। तो मैंने आपको 5 ट्रिक्स बता दी हैं। आप अब सबसे पहली ट्रिक हमारे पास क्या थी कि वेरिएबल जो है वो पॉलीनोमियल में 1 होना चाहिए। अब यहाँ आप देखें 2xy की स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6। अब सबसे पहली बात ही खत्म थी, सबसे पहली ही टिप यहाँ में काम आ गई। अब देखें यहाँ पर x और y, यहाँ पर भी y, यहाँ x, अब यहाँ पे आ गए दो वेरिएबल्स, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहीं पे खत्म हो गई, हमारी पहली टिप हमें यहीं पे काम आ गई। तो सबसे पहले हमने यही देख लिया कि इसमें दो वेरिएबल है तो बात ही खत्म। तो सीधे सीधे हमने लिख देना नॉट पॉलीनोमियल या नॉन पॉलीनोमियल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, 3xy की पावर माइनस 2। तो यहाँ पे हमने पावर को देखे, सबसे पहली टिप को ही हमने देख लिया, यहाँ पे भी क्या दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो सीधे सीधा क्या नॉट पॉलीनोमियल। और दूसरी बात इसमें ये भी आ रही है कि पावर जो है वो पॉलीनोमियल की नेगेटिव नहीं होती, तो पावर भी नेगेटिव में है और दोनों कंडीशन जो है वो यहाँ रॉन्ग साबित हो रही है, तो यहाँ पे सीधे सीधा नॉट पॉलीनोमियल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 10x प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 42.5। अब यहाँ पे देखें पहली हमारी क्या थी टिप कि हमने देखना है कि दो वेरिएबल्स हैं या एक। तो यहाँ पे देखें एक्स 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 के अलावा कोई और वेरिएबल यहाँ मौजूद नहीं है, तो पहली हमारी जो थी टिप थी वो तो हमारी यहाँ पे सही साबित हो रही है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सही है। तो उसके हिसाब से तो ये पॉलीनोमियल हो गया। अब हमने देखना है पावर्स, हाँ पावर्स भी यहाँ पे पॉजिटिव में है और होल नंबर में है, यहाँ पे पावर नहीं है तो मतलब 1 है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 है। तो अब ये पॉलीनोमियल है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मैंने आपको स्क्वेयर रूट के बारे में बताया, स्क्वेयर रूट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अगर पॉलीनोमियल जो है वो अंडर रूट में हो, अगर वेरिएबल अंडर रूट में हो तो वेरिएबल वो पॉलीनोमियल होगा। लेकिन यहाँ जो है स्क्वेयर रूट के अंदर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट यानी कि 1 से लेकर सारे नंबर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट कहलाते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 45 है, तो 45 तो वेरिएबल नहीं है तो हमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो सिर्फ काम करना है किसके अंदर, सिर्फ हमने काम करना है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल पे हमें फोकस करना है कि वेरिएबल जो है वो पावर में माइनस है या नहीं है। तो ये हमारा हो गया पॉलीनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट है अंडर रूट के अंदर, हमें कांस्टेंट की फिक्र नहीं करनी, हमारे दूसरी कंडीशन पूरी आ रही है कि एक वेरिएबल है, पावर होल नंबर में है और पावर प्लस में है, तो ये इसकी वजह से हमारा ये क्या हो गया पॉलीनोमियल, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, 5√x माइनस एक्स प्लस 5x². तो सीधा सीधा क्या हो गया, पहली कंडीशन हमारी सही है कि इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी पावर प्लस में होनी चाहिए जब, और अगर स्क्वेयर रूट, तीसरी क्या थी, स्क्वेयर रूट के अंदर हो तो वो क्या होगा नॉट पॉलीनोमियल। अब यहाँ देखिए वेरिएबल स्क्वेयर रूट के अंदर है तो ये क्या होगा नॉट पॉलीनोमियल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/x + 2, ठीक है, 2/x + 2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में, आप लोग चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको टिप्स बताई थी, कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो x तो वो भी क्या होगा नॉट पॉलीनोमियल, और वो क्यों नॉट पॉलीनोमियल होगा ये मैंने आपको बताया था टिप्स के साथ साथ कि x की पावर, x को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 1 है, जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वो किस में हो जाता है -1 में, तो इसलिए ये भी नॉट पॉलीनोमियल होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यहाँ पे देखिए 2/x + x³ - 2, यहाँ पे भी वही बात कि ये अपॉन के अंदर है, ये जो है अपॉन के अंदर है, और अपॉन वाला जो होता है ऊपर जब जाता है तो वो क्या होता है नॉट पॉलीनोमियल और माइनस में चला जाता है। अब माइनस में चला जाता है उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि माइनस में क्यों चला जाता है, क्योंकि
कि जब हम किसी चीज को ऊपर लेकर जाते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाती है उसकी पावर। तो वही बात ये फ्रैक्शन में आ गई, जो यहाँ हमने सीखा कि जो चीज जब वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉलीनोमियल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वरना उसकी पावर जो है वो माइनस में कंसिडर की जाती है। तो इसकी वजह से ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसकी वजह से ये हमारा हो गया नॉट पॉलीनोमियल। आई होप कि आपको पॉलीनोमियल और नॉट पॉलीनोमियल में जो डिफरेंस था वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इसी तरह की ट्रिकी और टिप्स और ट्रिक्स जो है मैथ के बारे में आपने सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपने मैथ के किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, या कोई टिप्स और ट्रिक्स चाहिए हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।